हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रेडिक्शन ड्रीम इलेवन में। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो इंग्लैंड और इंडिया के बीच में थर्ड टेस्ट मैच खेला जाएगा। ये मैच खेला जाएगा ट्रेंट ब्रिज नॉटिंघम के ग्राउंड में। इस ग्राउंड की जो पिच रहती है वो बैट्समैन एंड बॉलर दोनों को बराबर सपोर्ट करती है। हम आगे बात करने वाले लास्ट मैच के रिजल्ट के बारे में। फर्स्ट टेस्ट मैच खेला गया था, वो इंग्लैंड ने 32 रनों से विन कर लिया था। और सेकेंड टेस्ट मैच इंग्लैंड ने बहुत ही अच्छे तरीके से एक इनिंग और 159 रन से मैच को विन कर लिया था। तो अभी तक दो टेस्ट मैच ही खेले गए और दोनों टेस्ट मैच जो है इंग्लैंड ने जीते। तो अभी तक एक भी टेस्ट मैच इंडिया नहीं जीत पाया है। हम आगे बात करने वाले टीम न्यूज के बारे में। तो बेन स्टोक्स को स्क्वाड में ऐड कर लिया गया और वो आपको इस मैच में मुझे लगता है कन्फर्म खेलता हुआ नजर आ जाएगा। हम आगे बात करने वाले इंग्लैंड के प्लेइंग 11 की और साथ ही में लास्ट टेस्ट मैच के प्लेयर्स के परफॉर्मेंस के बारे में। एलेस्टर कुक ने बनाए थे 21 रन, जेनिंग्स ने बनाए थे 11 रन, जो रूट जो टीम के कैप्टन है 19 रन बनाए के आउट हो गए थे। ओली पोपे को टीम में मौका दिया गया था, इन्होंने बनाए थे 28 रन। जॉनी बेस्टो जो टीम के विकेट कीपर है बहुत ही अच्छी इन्होंने बैटिंग की थी, 93 रन बनाए थे। जोस बटलर ने बनाए थे 24 रन। क्रिस वोक्स ने बहुत अच्छी बैटिंग की थी, 137 रन बनाए थे और दोनों ही इनिंग में इन्होंने दो दो विकेट लिए थे। सेम कुरन ने भी बहुत अच्छी बैटिंग की थी, 40 रन बनाए थे। फर्स्ट इनिंग में इनको एक विकेट मिला था लेकिन सेकंड इनिंग में इनको कोई भी विकेट नहीं मिल पाया। आदिल रशीद की बैटिंग नहीं आ पाई थी और आदिल रशीद को कोई भी ओवर करने को नहीं मिला था। स्टुअर्ट ब्रॉड की बैटिंग नहीं आ पाई थी, स्टुअर्ट ब्रॉड को मिला था फर्स्ट मैच में एक विकेट और सेकेंड मैच में लिए थे 4 विकेट। जेम्स एंडरसन ने लिए थे फर्स्ट इनिंग में 5 विकेट, बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग की थी और सेकेंड इनिंग में भी इन्होंने 4 विकेट लिए थे। तो ये प्लेइंग 11 थी इंग्लैंड की लास्ट टेस्ट में और बहुत ही अच्छे तरीके से एक इनिंग और 159 रन से अपना जो लास्ट टेस्ट मैच है वो इंग्लैंड ने विन किया है। बाकी जो खिलाड़ी बेंच पे बैठे मोइन अली और बेन स्टोक्स, ये दो खिलाड़ी बेंच पे बैठे, मुझे लगता है इस मैच में मोइन अली को मौका नहीं दिया जाएगा। बेन स्टोक्स को मौका दिया जा सकता है क्योंकि बेन स्टोक्स ने फर्स्ट टेस्ट मैच में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था। अब बेन स्टोक्स को मौका दिया जा सकता है, या तो ओली पोपे को इस जो है मैच में ड्रॉप किया जा सकता है और बेन स्टोक्स को टीम में मौका दिया जा सकता है। तो ये फर्स्ट चेंज हो सकता है। और सेकंड में बात करूँ तो आदिल रशीद को आप यहाँ पे देख सकते हो, लास्ट टेस्ट मैच में इनको एक भी ओवर नहीं दिया गया था। तो हो सकता है यहाँ पे आदिल रशीद की जगह बेन स्टोक्स को टीम में लाया जा सकता है। तो ये दो प्लेयर आपके लिए इस मैच के लिए डाउटफुल रहेंगे, बाकी सारे प्लेयर्स आपके लिए एकदम सेफ रहने वाले हैं। आप किसी भी प्लेयर को अपने टीम में पिक कर सकते हो, आपका प्लेयर जो है 95% मिस नहीं होगा अगर लास्ट टाइम में कोई भी प्लेयर इंजर्ड नहीं होता है तो, क्योंकि इंग्लैंड की जो टीम है बहुत ही ज़बरदस्त फॉर्म में है। बात करते हैं हमारी इंडिया की तरफ से टीम न्यूज के बारे में। तो जसप्रीत बुमराह एकदम फिट है और वो आपको इस मैच में कंफर्म खेलते हुए नजर आ जाएंगे। बात करते हैं इंडिया की प्लेइंग 11 की और साथ ही में लास्ट टेस्ट मैच के प्लेयर्स के परफॉर्मेंस के बारे में। मुरली विजय ने फर्स्ट इनिंग में 0 रन और सेकेंड इनिंग में 0 रन, तो मतलब दोनों ही इनिंग में मुरली विजय खाता भी नहीं खोल पाए। केएल राहुल ने बनाए थे फर्स्ट इनिंग में 8 रन और सेकेंड इनिंग में 10 रन। चेतेश्वर पुजारा ने बनाए थे फर्स्ट इनिंग में 1 रन और सेकेंड इनिंग में 17 रन। विराट कोहली जो टीम के कैप्टन है फर्स्ट इनिंग में 23 रन और सेकेंड इनिंग में 17 रन। अजिंक्य रहाणे ने बनाए थे फर्स्ट इनिंग में 18 रन और सेकेंड इनिंग में 13 रन। दिनेश कार्तिक जो टीम के विकेट कीपर है इनका भी परफॉर्म लगातार खराब चल रहा है, फर्स्ट इनिंग में 1 रन और सेकेंड इनिंग में 0 रन। हार्दिक पांड्या ने ठीक ठाक बैटिंग की थी फर्स्ट इनिंग में 11 रन और सेकेंड मैच में 26 रन। बॉलिंग बहुत अच्छी की थी, 3 विकेट इनको मिले थे। रविचंद्र अश्विन बहुत ही अच्छे फॉर्म में है, फर्स्ट इनिंग में 29 रन और सेकेंड मैच में 33 रन और इनको लास्ट टेस्ट मैच में कोई भी विकेट नहीं मिला। कुलदीप यादव को मौका दिया गया था लेकिन दोनों ही इनिंग में यह खाता नहीं खोल पाई और इनको कोई भी विकेट नहीं मिला। मोहम्मद शामी ने बहुत शानदार बॉलिंग की थी, 3 विकेट लिए थे और फर्स्ट इनिंग में बनाए थे 10 रन और सेकेंड इनिंग में 0 रन। ईशांत शर्मा फर्स्ट इनिंग में 0 रन, सेकेंड इनिंग में 2 रन और इनको जो है लास्ट टेस्ट मैच में एक विकेट भी मिला था। तो ये प्लेइंग 11 रही थी इंडिया के लास्ट मैच में और बहुत ही खराब प्रदर्शन इंडिया अपना कर रहा है। तो अपने प्लेइंग 11 में 2-3 बड़े चेंजेस कर सकता है क्योंकि दोनों ही लास्ट के टेस्ट में इंडिया हार चुका है। अब हम बात करते हैं जो बेंच पे प्लेयर्स बैठे हैं, शिखर धवन, उमेश यादव, ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा, करुण नायर, शार्दुल ठाकुर और जसप्रीत बुमराह, ये कुछ प्लेयर बेंच में बैठे हैं। हम आगे बात करने वाले इंडिया के प्लेइंग 11 में चेंजेस के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मुरली विजय और केएल राहुल इन दोनों का परफॉर्म भी इतना अच्छा नहीं रहा, तो हो सकता है इन दोनों में से किसी एक की जगह शिखर धवन को टीम में मौका दिया जा सकता है। तो ये फर्स्ट चेंज इंडिया अपने प्लेइंग 11 में कर सकता है। अगर मैं सेकंड चेंज की मैं बात करूं तो दिनेश कार्तिक का भी परफॉर्म इतना अच्छा नहीं रहा और दिनेश कार्तिक की एक विकेट कीपर है और आपको पता है ऋषभ पंत भी विकेट कीपिंग करते हैं और ऋषभ पंत बहुत ही अच्छे फॉर्म में है, तो हो सकता है इस मैच में
दिनेश कार्तिक के जगह ऋषभ पंत को टीम में मौका दिया जा सकता है, तो ये सेकंड चेंज इंडिया अपने प्लेइंग 11 में कर सकता है। अगर मैं थर्ड चेंज की बात करूँ तो कुलदीप यादव को लास्ट में मौका दिया गया था, इनका परफॉर्म भी इतना अच्छा नहीं रहा, तो मुझे लगता है इस मैच में जसप्रीत बुमराह को टीम में मौका दिया जाएगा कुलदीप यादव की जगह। तो ये तीन चेंज इंडिया अपने प्लेइंग 11 में कर सकता है, बाकी सारे प्लेयर्स आपके लिए एकदम सेफ रहेंगे, आप किसी भी प्लेयर को अपनी टीम में पिक कर सकते हो। वापस से मैं आपको एक बार डाउटफुल प्लेयर क्लियर कर दूं, मुरली विजय, केएल राहुल, दिनेश कार्तिक और कुलदीप यादव, ये चार प्लेयर आपके लिए इस मैच के लिए डाउटफुल रहेंगे, बाकी सारे प्लेयर्स आपके लिए एकदम सेफ हैं, तो आप किसी भी प्लेयर को अपने टीम में पिक कर सकते हो। और कोई भी न्यूज़ आएगी प्लेयर्स के बारे में या प्लेयर्स के इंजरी के बारे में तो आप एक बार मैच से पहले कमेंट सेक्शन बॉक्स जरूर से चेक कर लेना। बात करते हैं हम आगे कैप्टन वाइस कैप्टन चेंज के बारे में। रविचंद्र अश्विन, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, एलेस्टर कुक, जो रूट, जॉनी बेस्टो और क्रिस वोक्स, ये आठ प्लेयर आपके लिए यहाँ से बेस्ट रहेंगे स्मॉल लीग और हेड टू हेड के लीग के कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस के लिए। अगर आप चाहो तो आप बेन स्टॉक्स को भी कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो स्मॉल लीग या हेड टू हेड की लीग में। अगर आप ग्रैंड लीग खेलते हो और कुछ अलग करना चाहते हो, जेनिंग्स जो जबरदस्त बैट्समैन है और साथ में ये बॉलिंग भी करा सकते हो, तो आपको बॉलिंग में भी ये पॉइंट दिला सकते हैं। ओली पोपे, सेम कुरान जो जबरदस्त फॉर्म में बैटिंग और बॉलिंग दोनों से अच्छा प्रदर्शन करें, जेम्स एंडरसन, मुरली विजय, अजिंक्य रहाणे और मोहम्मद शमी, ये सात प्लेयर आपके लिए बेस्ट रहने वाले हैं ग्रैंड लीग के कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस के लिए। यहाँ पे मैंने मुरली विजय का नाम इसीलिए लिखा क्योंकि मुझे लगता है इस मैच में आपको हाई चांस में मुरली विजय खेलता हुआ नजर आ सकता है, बाकी मुरली विजय लेकिन आपके लिए इस मैच के लिए डाउटफुल रहेगा। बाकी अगर आप चाहते हो तो आप अपने टीम के हिसाब से जाना चाहते हो तो आप इनमें से किसी को कैप्टन और इनमें से किसी को वाइस कैप्टन, या आप इनमें से किसी को वाइस कैप्टन और इनमें से किसी को आप अपनी टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो, और आप खुद से एक बेटर टीम बना के अच्छा विन कर सकते हो। और अगर आपको फ्यूचर में हर मैच के ऐसे ही कंटिन्यू वीडियो चाहिए तो आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, पास में जो बेल आइकन का बटन आपको उसे प्रेस करना होगा, तभी मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा और आप वीडियो को आसानी से देख पाओगे। तो इसीलिए बोलता हूं भाई, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और इस वीडियो में आपको कोई भी न्यूज या आपको कोई भी चीज़ इस वीडियो में अच्छी लगी हो तो भाई अपनी तरफ से वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। हम आगे बात करने वाले हैं ड्रीम इलेवन की टीम के बारे में, जो मैंने दो आपके लिए ड्रीम इलेवन की टीम बनाई, एक मैंने बनाई स्मॉल लीग की और एक मैंने बनाई आपके लिए ग्रैंड लीग की टीम। उससे पहले हम बात करने वाले हैं क्रिक ड्यूल ऐप के बारे में। अगर आपको इस ऐप को डाउनलोड करना है तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस ऐप की लिंक मिल जाएगी, जिससे आप ये ऐप डाउनलोड कर सकते हो, या आप सीधा डायरेक्ट प्ले स्टोर में लिख सकते हो, क्रिक ड्यूल सर्च कर सकते हो और आप इसे प्ले स्टोर में भी डाउनलोड कर सकते हो। इस ऐप का जो आपको फ़ायदा मिलने वाला है वो किसी भी फैंटेसी क्रिकेट की ऐप में नहीं मिलने, इस ऐप में आपको सिर्फ साइन अप करना है, कोई आपको रेफरल कोड यूज़ नहीं करने ना है कुछ आपको करना, आपको सिर्फ इस ऐप में साइन अप करना है। और आप यहाँ पे देख सकते हो इसमें फ्री लीग्स ओपन होती है, आपको सिर्फ लीग्स को ज्वाइन करना है, एक अच्छी टीम बना के आपको विन करना, और आपका जो विनिंग अमाउंट है वो आप पेटीएम में विड्रॉ कर सकते हो, इसमें आपको एक भी पैसा जो है डिपॉजिट नहीं करना होगा। आप यहाँ पे देख सकते हो इसमें जो आठ मैच खेला जाएगा सीपीएल का, सेंट लूसिया स्टार और यहाँ पे बर्बाडोस, ये मैच खेला जाएगा, तो आप इस मैच में भी यहाँ पे फ्री में लीग ज्वाइन करके अच्छा खासा अमाउंट विन कर सकते हैं। लेकिन हम बात करने वाले जो मैच खेला जाएगा इंडिया और इंग्लैंड के बीच में थर्ड टेस्ट के बारे में, तो हम इसकी क्रिक ड्यूल की टीम बनाने वाले हैं। सबसे पहले आपको अगर थोड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको यहाँ पे इन्फो पे क्लिक करना होगा, इन्फो पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो प्राइज, अगर आपका फर्स्ट प्राइज आता है तो आपको 2000 रुपये मिलेंगे, अगर आपका सेकंड प्राइज आता है तो आपको 1500 रुपये मिलेंगे, अगर आपका थर्ड प्राइज आता है तो आपको यहाँ पे 750 रुपये मिलेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो कितने रेंज पे आपको जो है कितना प्राइज मिलने वाला है, ये सारा प्राइज जो आपको फ्री में मिलेगा, आपको इसमें सिर्फ लीग ज्वाइन करनी है और एक बेटर टीम बना के आपको अच्छा विन करना। अगर आप स्कोरिंग देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे स्कोरिंग भी देख सकते हो, और यहाँ पे इंटरेस्ट देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो किस किसने जो है अभी तक इस लीग में किस किसने ज्वाइन किया है। तो हम आगे बात करने वाले हैं कि आप इस ऐप में टीम कैसे बना सकते हो, और आप यहाँ पे देख सकते हो ये 10,000 मेंबर की लीग है और अभी तक इसमें आप देख सकते हो 2649 लोग जो है ऐड हो चुके, तो आप भी जल्दी से इस लीग को ज्वाइन कर लीजिए फ्री में और आप अच्छा अमाउंट विन कर सकते हो। अगर आपको टीम बनानी हो तो आपको यहाँ पे सबसे पहले इंटर पे क्लिक करना होगा, इंटर पे क्लिक करने के बाद में आपके लिए विकेट कीपर सेक्शन जो ऑप्शन है वो आपके लिए आ जाएंगे, जॉनी बेस्टो, ऋषभ पंत और दिनेश कार्तिक, आपको यहाँ पे सिर्फ 8 ही प्लेयर को पिक करना है, 11 प्लेयर्स को आपको पिक नहीं करना है। तो मैंने अपनी टीम में जॉनी बेस्टो को पिक किया क्योंकि ये सेफ ऑप्शन रहने वाले हैं। बैट्समैन सेक्शन में आपके सामने दो बैट्समैन के ऑप्शन आएंगे, जो रूट और विराट कोहली, मैंने अपनी टीम में विराट कोहली को पिक किया, ये बहुत ही अच्छे फॉर्म में, सेकेंड भी बेस्ट मैन का ही ऑप्शन है। आपके पास चेतेश्वर पुजारा, एलेस्टर कुक, केटोन जेनिंग्स और अजिंक्य रहाणे, मैंने अपनी टीम में एलेस्टर कुक को पिक किया, और यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आएगा वो भी बैट्समैन का आएगा क्योंकि आप इसमें तीन बैट्समैन को पिक कर सकते हो, लोकेश राहुल, ओली पोपे, जोस बटलर और शिखर धवन, मैंने अपनी टीम में
जोस बटलर को पिक किया है। वहीं बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन की, आप इसमें दो ऑलराउंडर को पिक कर सकते हो। मैंने अपनी टीम में पिक किया क्रिस वोक्स को। सेकंड ऑलराउंडर की इसमें ऑप्शन है बेन स्टोक्स और हार्दिक पांड्या, मैंने अपनी टीम में हार्दिक पांड्या को पिक किया। अब आपको इसमें बॉलर्स पिक करने हैं, मैंने अपनी टीम में फर्स्ट बॉलर को मैं पिक करूंगा। इसमें ऑप्शन है जेम्स एंडरसन, सेम कुरान और ईशान शर्मा। मैं अपनी टीम में सेम कुरान को पिक करूंगा, ये बैटिंग भी अच्छी खासी कर सकते हैं। और यहाँ पे सेकंड जो बॉलर के ऑप्शन है आपके लिए स्टुअर्ट ब्रॉड, आदिल रशीद, मोहम्मद शमी और उमेश यादव, मैं अपनी टीम में स्टुअर्ट ब्रॉड को पिक करने वाला हूँ। तो ये मैंने अपने 8 प्लेयर्स को है पिक कर लिया। अब आपको यहाँ पे कैप्टन को पिक करना है, तो मैं अपने इस टीम में कैप्टन रखूँगा विराट कोहली को। तो इस तरीके से आप इस पर टीम बना सकते हो और आप फ्री में लीग ज्वाइन कर सकते हो। और इसमें अगर आप प्लेयर को जो है एडिट करना चाहते हो तो आप इसमें प्लेयर को भी एडिट कर सकते हो। फिर आपको यहाँ पे करना है डन। डन करते ही आपने जो लीग ज्वाइन की है वो आपकी यहाँ पे लीग ज्वाइन हो जाएगी। आपको सिर्फ इस ऐप में साइन अप करना है, ना ही एक भी पैसा आपको इसमें डिपॉजिट करना है। आपको इसमें सिर्फ साइन अप करना है और आपको लीग ज्वाइन करनी है। अच्छा अच्छी एक टीम बना के आपको अच्छा विन करना है और आप पेमेंट अपना जो है पेटीएम में विड्रॉ कर सकते हो। तो अगर आपको क्रिक ड्यूल की ऐप अच्छी लगी हो तो भाई इस वीडियो को एक लाइक अपनी तरफ से ज़रूर शेयर कर देना। अगर आपको इस ऐप को डाउनलोड करना हो तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्रिक ड्यूल ऐप की लिंक मिल जाएगी, या आप प्ले स्टोर पर भी जाके इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। कोई भी कन्फ्यूजन हो इस ऐप के बारे में तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन बॉक्स में पूछ सकते हो। हम आगे बात करने वाले ड्रीम इलेवन की टीम के बारे में, जो मैंने आपके लिए दो ड्रीम इलेवन की टीम मैंने बनाई। एक मैंने बनाई आपके लिए स्मॉल लीग की सेफ टीम और एक मैंने बनाई आपके लिए ग्रैंड लीग की इसकी टीम। इससे पहले जो मैच खेला जाएगा यहाँ पे CPL का, इस मैच का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया, आप चाहो तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। यहाँ पे इंडिया वुमेन T20 का ये मैच खेला जाएगा, इस मैच का भी वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया। तो इन दोनों मैच के वीडियोस के लिंक जो है आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएंगी, आप आराम से देख सकते हो। यहाँ पे हम बात करने वाले जो इंग्लैंड और इंडिया के बीच में थर्ड टेस्ट मैच खेला जाएगा, इस टेस्ट मैच के ड्रीम इलेवन की सेफ टीम की हम बात करेंगे स्मॉल लीग की टीम की। तो यहाँ पे विकेट कीपर सेक्शन के लिए आपके पास तीन ऑप्शन दिए गए, जॉनी बेस्टो, दिनेश कार्तिक और ऋषभ पंत। यहाँ पे जॉनी बेस्टो आपके लिए एकदम सेफ रहने वाला है और यहाँ से दिनेश कार्तिक और ऋषभ पंत इन दोनों में से कोई एक खेलेगा तो ये दोनों आपके लिए इसके लिए रिस्की हो सकते हैं। बात करते हैं बैट्समैन सेक्शन की, तो मैंने यहाँ पे तीन सेफ बैट्समैन को पिक किया, विराट कोहली, जो रूट और चेतेश्वर पुजारा को। आपके लिए ऑप्शन की बात करूँ तो मुरली विजय आपको हाई चांस में इसमें खेलता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन थोड़ा रिस्की है। एलेस्टर कुक्स और अजिंक्य रहाणे ये दोनों आपके लिए एकदम सेफ ऑप्शन रहने वाले हैं। यहाँ पे लोकेश राहुल भी आपके लिए इसकी रहेंगे इस मैच के लिए। इस मैच में शिखर धवन को वापस टीम में मौका दिया जा सकता है। जोस बटलर आपको एकदम सेफ ऑप्शन है, डेविड मिलान को आपको अपनी टीम में पिक नहीं करना है। केटोन जेनिंग्स का आपके लिए एकदम सेफ ऑप्शन है और आपको यहाँ पे करुण नायर को पिक नहीं करना है। ओली पोपे का मैंने आपको बता दिया, ये इस मैच के लिए डाउटफुल हो सकते हैं। बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन की, तो मैंने यहाँ पे रविचंद्र अश्विन, क्रिस वोक्स और हार्दिक पांड्या इन तीन ऑलराउंडर को मैंने अपनी टीम में पिक किया। बेन स्टोक्स का आपके लिए ऑप्शन है, 99% ये आपको इस मैच में खेलते हुए नजर आ जाएंगे। रविंद्र जडेजा और यहाँ पे मोइन अली को आपको अपनी टीम में पिक नहीं करना है। बात करते हैं वहीं बॉलिंग सेक्शन की, तो मैंने यहाँ पे पिक किया जेम्स एंडरसन, ईशान शर्मा, सेम कुरान और मोहम्मद शमी। इन चार मैंने अपनी टीम में बॉलर्स को पिक किए। ऑप्शन की बात को तो जसप्रीत बुमराह का मैंने आपको बता दें, 99% ये इसमें इसमें खेलेंगे, एकदम फिट है। उमेश यादव लास्ट मैच में इनको ड्रॉप किया गया था, लेकिन मुझे लगता है इसमें भी इनको मौका नहीं दिया जाएगा। स्टुअर्ट ब्रॉड का आपके लिए एकदम सेफ ऑप्शन है। यहाँ पे आदिल रशीद आपके लिए इसमें इसके लिए डाउटफुल रहेंगे, तो आप इन्हें अपनी टीम में पिक मत करना, अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो बात अलग है। कुलदीप यादव मुझे लगता है इसमें इनको वापस मौका नहीं दिया जाएगा। शार्दुल ठाकुर और जेमी पोटर को आपको अपनी टीम में पिक नहीं करना है। हम आगे बात करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की, तो मैंने अपने इस टीम में कैप्टन रखा है क्रिस वोक्स को, जो बैटिंग और बॉलिंग दोनों में आपको अच्छे खासे पॉइंट दिला सकते हैं। और वाइस कैप्टन भी मैंने रखा है रविचंद्र अश्विन को, ये भी आपको बैटिंग और बॉलिंग में दोनों में अच्छे खासे पॉइंट दिला सकते हैं। तो हम करते हैं टीम को सेव और बात करते हैं फाइनल प्रीव्यू की, तो यही मेरी स्मॉल लीग और हेड टू हेड की लीग का फाइनल प्रीव्यू रहेगा। इसी टीम के साथ मैं स्मॉल लीग और हेड टू हेड की लीग खेलने वाला हूं। अगर आप इस टीम के साथ खेलना चाहते हो तो खेल सकते हो, अगर आप चाहते हो तो विराट कोहली को या जो रूट को इन दोनों में से आप किसी को कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो अपने हिसाब से। और अगर आप चाहते हो तो आप इस टीम में भी अपने तरफ से एक दो चेंज कर सकते हो, कैप्टन वाइस कैप्टन भी आप इस टीम में खुद से चेंज कर सकते हो, क्योंकि इस मैच के बारे में जो भी न्यूज़ थी वो मैंने आपको क्लियर कर दी है। हम बात करेंगे आगे ग्रैंड लीग के टीम के बारे में, तो यहाँ पे मैंने अपनी टीम ऋषभ पंत को पिक किया। क्यों पिक किया आप यहाँ पर देख सकते हो, ऋषभ पंत को सिर्फ 10% लोगों ने ही अब तक पिक किया और इनके खेलने के चांसेस मैं कहूँगा 90% रहने वाले इस मैच में, तो इसलिए मैंने अपनी टीम ऋषभ पंत को पिक किया। लेकिन एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, ये इस मैच के लिए रिस्की रहने वाले हैं। बैट्समैन सेक्शन की बात करते हैं तो मैंने यहाँ पे तीन सेफ बैट्समैन को पिक किया, विराट कोहली, जो रूट और एलेस्टर कुक, इन तीन मैंने सेफ बैट्समैन को अपनी टीम में पिक किया। बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन की, बेन स्टोक्स को मैंने अपनी टीम में पिक किया, आप यहाँ पर देख सकते हो बेन स्टोक्स को सिर्फ 16% लोगों ने अब तक पिक किया है, तो इसीलिए मैंने अपनी टीम में बेन स्टोक्स को पिक किया है।
दो में सेफ ऑलराउंडर के साथ जाऊंगा, रविचंद्र अश्विन और क्रिस वोक्स, इन दो ऑलराउंडर को मैंने अपनी टीम में पिक किया है। बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन की, तो मैंने यहाँ पर जसप्रीत बुमराह को पिक किया, आप यहाँ पर देख सकते हो सिर्फ 2% लोगों ने अब तक जसप्रीत बुमराह को लिया, तो इसलिए मैंने अपनी टीम में जसप्रीत बुमराह को पिक किया है। यहाँ पे ईशान शर्मा, स्टुअर्ट ब्रॉड और सैम कुरान, इन तीन बॉलरों को मैंने अपनी टीम में पिक किया है। तो हम करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट और बात करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की। तो मैंने अपने इस टीम में कैप्टन का जो रूट को और वाइस कैप्टन मैंने रखा है बेन स्टोक्स को। हम बात करते हैं यहाँ पे फाइनल प्रव्यू की, तो यही मेरे ग्रैंड लीग का फाइनल प्रव्यू रहेगा। इसी टीम के साथ मैं ग्रैंड लीग खेलने वाला हूँ। इस टीम में मैंने कॉम्बिनेशन थोड़ी अलग रखी, मैंने 7 जो प्लेयर इसमें सेफ प्लेयर को पिक करने की कोशिश की है और 4 प्लेयर्स मैंने ऐसे अपनी टीम में पिक किए हैं जिनको बहुत ही कम लोगों ने अपनी टीम में पिक किया और इनके खेलने के चांसेस भी 95% रहने वाले हैं। अगर ये टीम जो है थोड़ा बहुत भी अच्छा परफॉर्म करेगी तो हमें ग्रैंड लीग भी विन करा सकती है या हमें अच्छा अमाउंट भी विन करा सकती है, लेकिन ये इस मैच के लिए आपके लिए रिस्क की टीम रहेगी। अगर आप ग्रैंड लीग में रिस्क लेना चाहते हो तभी आप इस टीम के साथ खेलना, वरना अगर आप सेफ टीम के साथ जाना चाहते हो तो मैंने आपको पहले टीम दी है वो एकदम आपके लिए 99% एकदम सेफ रहेगी, अगर लास्ट टाइम में कोई भी प्लेयर इंजर्ड नहीं होता है तो। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो भाई आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन बॉक्स में पूछ सकते हो, और कोई भी न्यूज आएगी तो मैं आपको कमेंट सेक्शन बॉक्स में बता दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए धन्यवाद।